जबलपुर में लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर लगभग 1:30 बजे भूकंप के झटके आए थे। दिल्ली के भूकंप केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 1:30 बजे के आसपास 15 सेकंड के लिए 3.4 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप आया था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर और लंबाई 86.36 किलोमीटर मापी गई है। हालांकि शहरवासियों को भूकंप के झटकों का एहसास ही नहीं हुआ। भूकंप केंद्र दिल्ली के जेल गौतम के मुताबिक भूकंप का कलपुर था। पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आज भूकंप आया है। महसूस तो हुआ रहा मगर इतना हो नहीं, पता नहीं चल पाया। मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि अपने जबलपुर में 3.2 का भूकंप आया है और आगे अगर से ज़्यादा ना आए तो बेहतर है, नहीं तो जान माल के नुकसान की ज़्यादा की दिक्कत हो जाएगी। विश्व योगा दिवस 21 जून को आयुष विभाग द्वारा 3 पर्यटन स्थलों पर योग अभ्यास कर जन चेतना का संचार किया जाएगा। इन 3 प्रसिद्ध स्थलों में मदन महल का किला, 64 जोगनी मंदिर और भेड़ाघाट का पंचवटी शामिल है। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर अर्चना मरावी ने बताया कि इस वर्ष विश्व योग दिवस के अवसर पर जबलपुर के 3 प्रसिद्ध स्थलों पर योग अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इनमें समाज सेवी संस्थाओं के साथ ही जनता की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। मदन महल के सामने और पंचवटी साथ ही 64 जोगनी मंदिर के सामने ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल जो है हमारे जिले जबलपुर में 3 स्पॉट चयनित किए गए हैं मध्य प्रशासन के द्वारा, आयुष विभाग के द्वारा। वो 3 स्पॉट जो है वो 64 जोगनी मंदिर है, भेड़ाघाट का मुख्य घाट जो है पंचवटी वो किया गया, और जबलपुर जिले में जो है मदन महल का किला, ये 3 जगह हमारे यहाँ फिक्स किए गए हैं। इन सभी स्थलों के लिए हमने जो है प्रचार प्रसार के लिए पंपलेट बनवाए हैं। आमजनों को जो है अपील करते हुए, उनसे निवेदन करते हुए हमने वो जगह जगह पंपलेट बांटे हैं और लोगों को बोला है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँच करके यहाँ पर जो है वो योगाभ्यास का लाभ लें। अधिकारियों के मुताबिक योगाभ्यास और हेल्थ के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के साथ स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कलेक्टर इलैयाराजा टी और निगम आयुक्त ने गोल बाजार में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों एवं ठेकेदार को नियत समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर इलैयाराजा टी और निगम आयुक्त बरस्तेपानी में गोल बाजार पहुंचे और उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़क का जायजा लेकर ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए और साथ ही क्षेत्र में चल रहे अन्य विकास कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को भी निर्देशित किया। लाला लाजपत राय वार्ड से कांग्रेस की महिला प्रत्याशी मंजू उइके के जाति प्रमाण पत्र पर जिला निर्वाचन कार्यालय में क्षेत्रीय जनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता अजय कंडारी ने जाति प्रमाण पत्र की जांच कराने की मांग की है। रांझी मानेगांव से आए अजय कंडारी ने जिला निर्वाचन कार्यालय में शिकायत देते हुए लाला लाजपत राय वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी मंजू मोहन उइके के द्वारा जमा किए गए जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रमाण पत्र 2020 में जारी हुआ है और उसमें मंजू के पिता के अंगूठे के निशान हैं, जबकि उनके पिता की मौत वर्ष 2019 में हो गई थी। हालांकि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने फिलहाल जाँच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने का हवाला दिया है। कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करते हुए कुछ निजी कॉलेजों को संबद्धता प्रदान की जा रही है, ये सनसनीखेज आरोप लगाते हुए रानी दुर्गावती छात्र विश्वविद्यालय के छात्र संगठन ने कुल सचिव को हटाने की मांग की है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र संगठन के सदस्यों ने एक शिकायत पत्र रजिस्ट्रार डॉ. ब्रजेश कुमार को सौंपते हुए मांग की है कि कुल सचिव दीपेश मिश्रा को हटाया जाए। कुल सचिव द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से निजी कॉलेजों को संबद्धता प्रदान की जा रही है। श्री कुल सचिव महोदय दीपेश मिश्रा जी को हटाने के उपलक्ष्य में कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर रहे हैं। इन्हें एक डब्ल्यूपी जो है सुप्रीम कोर्ट के 276/2012 इसके तहत जो है आदेशिका जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि 10 मार्च के बाद किसी भी कॉलेज महाविद्यालय विश्वविद्यालय को वो संबद्धता विश्वविद्यालय से नहीं दी जाएगी, परंतु ये उसके बाद भी 4-6 कॉलेज हैं जिन्हें संबद्धता दे रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध तरीके से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। क्या है पूरा मामला?
शिकायत की है प्राप्त है और शिकायतों को हम लोग उनका परीक्षण कराएंगे। और किस विषय में शिकायत है? कुछ विश्वविद्यालय में एक कुछ महाविद्यालयों की संबद्धता व निरंतरता का है और एक शिकायत है उनके पदस्थ यहाँ पे उप कुलसचिव जी के। छात्र संगठन के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के रवैये से क्रिश्चियन कम्युनिटी में रोष है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि ईसाई समुदाय से पार्षद पद के लिए कांग्रेस ने जबलपुर के 79 वार्डों में से किसी भी वार्ड में पार्षद के लिए ईसाई समुदाय के सदस्य को टिकट नहीं दी है। सीनियर सिटीजन क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि चुनाव के पूर्व उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की गई थी और जबलपुर के 79 वार्डों में से कुछ वार्ड में क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी प्रत्याशियों को मौका देने पर विचार हुआ था, लेकिन टिकट वितरण के दौरान उनकी अनदेखी कर दी गई, जिससे नाराज होकर ईसाई समुदाय ने चेतावनी दी है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में उतारेंगे। जबलपुर के मसी समाज का जो प्रमुख नागरिक बोलना चाहिए उनको हमने आज यहाँ पर इकट्ठा किया है और हमारे समाज के द्वारा हर कार्य किए जाते हैं। एजुकेशन में देख लें आप, मेडिकल स्तर पे देख लें आप, सामाजिक सेवाएं देख लें आप, सोशल वर्किंग में हमारा कहीं पीछे नहीं है। समाज के लोग हर स्तर पर काम करते हैं, लेकिन जब जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कहीं नहीं दिखता, ना ही कोई पार्टी हमको टिकट देती है और ना ही बुला के पूछती है। हमारा दायित्व केवल इतना है कि वी आर वोट बैंक, हम सिर्फ वोट बैंक हैं, हम वोट देते रहें, दैट इज एनफ। ये कमलनाथ जी बोलते हैं कि जिस वार्ड का प्रतिनिधि है, जिस वार्ड का सदस्य है, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वार्ड नंबर 21 में वो कहीं और का है, वो यहाँ नहीं रहता और उनको टिकट दिया गया। वो अभी पार्टी में ज़्यादा काम भी नहीं किया, अभी नया नया आया है, नए नए आने वाले को टिकट देंगे तो पहले से काम करते आ रहे, मेहनत करते आ रहे, उन लोग को क्या मिलेगा? उन लोग बस यही कार्यकर्ता बन के कार्य करते रहेंगे क्या बाद में? मतलब ज़िंदगी भर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पार्टी को एक टिकट ईसाई समाज को मिले। वार्ड क्रमांक 21 से कांग्रेस कार्यकर्ता बाबा मार्को की पत्नी ममता मार्को को टिकट दिए जाने की मांग की गई थी। सोमवार को प्राप्त हुई 290 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से 5 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर 6 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सक्रिय कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 36 हो गया है। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। मानसून शहर पर मेहरबान है और यही वजह है कि गत वर्ष के मुकाबले इस बार शुरुआत में ही 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि पिछले साल आज के दिन तक 82.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मानसूनी बारिश की शुरुआत बेहतर हो रही है, शुरुआती दौर में ही 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है और मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा आगामी 24 घंटे में संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसमविदों ने बताया कि हवाओं की दिशा दक्षिणी पश्चिमी है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इसके अलावा अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की कमी के बाद 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम 20.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। देश में नीति नियोजन एवं अन्य सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जुलाई 2022 से जून 2023 के मध्य देश भर में समाज आर्थिक सर्वेक्षण सम्पन्न किया जाएगा।
जिले में दो चरणों में होने वाले नगरीय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की समीक्षा का कार्य सोमवार को जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रारंभ हुआ। नामांकन पत्रों की समीक्षा के दौरान महापौर पद के लिए दाखिल किए गए नाम निर्देशन पत्रों में से एक अभ्यर्थी का नाम नामांकन मतदान सूची में नाम न होने की वजह से खारिज कर दिया गया। आगामी 25 जून को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्वाचन के लिए गठित मतदान दलों की मानस भवन प्रांगण में मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से मास्टर ट्रेनरों के द्वारा मतदान दलों के कर्मचारियों और अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। रेलवे की अग्निपथ योजना का कई राज्यों में विरोध हो रहा है। कई संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया। इसके मद्देनजर रेलवे ने जीआरपी और आरपीएफ का अलर्ट मोड पर रखा। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन सहित आसपास के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के साथ किए जाने के निर्देश के साथ ही कलेक्टर लैया राचाटी ने समय सीमा बैठक में अधिकारियों को विश्व योग दिवस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से कराने और पंचायत चुनाव के लिए होने वाली मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। गर्भावस्था के दौरान योग करना गर्भवती महिला और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी होता है। इससे गर्भवती महिला को तनाव, डिप्रेशन सहित अन्य समस्याओं से मुक्ति मिलती है। गर्भवती महिलाओं को योग के प्रति जागरूक करने के लिए योग शिविर का आयोजन किया गया। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के तेवर में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में स्वराज माजदा के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों वाहन आपस में टकराए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। मझौली के कोनी गांव में सड़क किनारे एक युवक का धड़ मिलने से सनसनी फैल गई। युवक